यस सरकार, माहौल और आ रहा है अब चैप्टर नंबर 8। सुनना बच्चों ध्यान से, प्लेस ऑफ सप्लाई। जी हाँ, IGST एक्ट चैप्टर नंबर 8। सुनना बड़े ध्यान से, सेक्शन नंबर 1, ये एक्ट कब आया, किस दिन से अप्लीकेबल होगा, वो एक्ट का नाम IGST होगा सब। सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन दे रखी है। सेक्शन नंबर 3 और 4 एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, ऑफिसर्स के लिए। सेक्शन 5 लेवी वाला सेक्शन है, जो हमने चैप्टर 2 के टाइम पढ़ा बेटा। सेक्शन 6 पावर टू ग्रांट एग्जिमिशन है, जो चैप्टर नंबर 9 के टाइम पढ़ेंगे हम। सेक्शन नंबर 7 से बात शुरू हो रही है। सेक्शन नंबर 7 ने डिफाइन किया इंटर स्टेट सप्लाई को। सब सेक्शन 1 कहता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स इंटर स्टेट कब कहलाएगी, जब सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग अलग स्टेट है, दो अलग अलग यूनियन टेरेटरी है, या एक स्टेट और एक यूनियन टेरेटरी, तो वो क्या होगा, सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स गुड्स केस में। सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर आपने कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट कर ली पर कस्टम क्लियरेंस नहीं कराया, मतलब कस्टम बोर्ड वेयर हाउस में गुड्स है, और अगर आपने किसी को सप्लाई किया वहां पर, तो वो क्या कहलाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा। वैसे उस पर GST लेवी नहीं होता, शेड्यूल 3 में कवर कर दिया उस ट्रांजेक्शन को, इसलिए बेटा। देन सब सेक्शन 3 कहता है क्या, सर्विसेज केस में सेम प्रोविजन जो सब सेक्शन 1 में था, कि सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग अलग स्टेट है, दो अलग अलग यूनियन टेरेटरी है, या एक स्टेट और एक यूनियन टेरेटरी है, तो वो क्या होगा, इंटर स्टेट सप्लाई होगा। सब सेक्शन 4 बोलता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा। सब सेक्शन 5 सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन द टैक्सेबल टेरेटरी। सुनो बच्चों ध्यान से, सॉरी वापस है, सब सेक्शन 5 सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, जहां पर उसमें 3 पॉइंट है, जहां पर सप्लायर इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया इंटर स्टेट। सेकंड, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टू और बाय अ यूनिट ऑफ SEZ और अ डेवलपर ऑफ SEZ इंटर स्टेट सप्लाई। एंड थर्ड साहब, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन द टैक्सेबल टेरिटरी, जो इंटर स्टेट में कवर नहीं हो रहा है, जो ऊपर हमने पढ़े पॉइंट, जो इंट्रा स्टेट में भी कवर नहीं है, वो इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा, अगर कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई इन द टैक्सेबल टेरिटरी है तो बेटा। क्लियर, डन। सर उसका एग्जांपल है, फॉरेन टूरिस्ट को अगर हमने गुड्स बेचा तो क्या कहलाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई। ओके सर, इंट्रा स्टेट सप्लाई सेक्शन नंबर 8 कहता है क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स जहाँ पे सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट है या सेम यूनियन टेरेटरी, वो इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा। क्लियर, पर सर इसका एक्सेप्शन 3, फर्स्ट अगर आपने सप्लाई टू या बाय यूनिट ऑफ SEZ या डेवलपर ऑफ SEZ है, तो वो इंटर स्टेट कहलाएगा, भले सेम स्टेट में हो तो भी बेटा। सेकंड, फॉरेन टूरिस्ट को अगर आपने कोई गुड सप्लाई किया तो वो भी क्या कहलाएगा, इंटर स्टेट, भले सेम स्टेट में सप्लाई किया। थर्ड, अगर आपने कस्टम बोर्डेड वेयर हाउस में गुड्स को सेल कर दिया, गुड्स इंपोर्टेड टू इंडिया जिसको आपने बेच दिया बिफोर गेटिंग इट क्लियर फ्रॉम दी कस्टम्स स्टेशन, तो ऐसे केस में वो इंटर कहलाएगा, भले ही सप्लायर रेसिपिएंट और वेयर हाउस दोनों सब कुछ एक ही स्टेट में, तो भी इंटर कहलाएगा। देन सब सेक्शन 2 सर्विसेज के लिए, जहां सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेम स्टेट में सेम यूनियन टेरिटरी में, वो क्या कहलाएगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। पर उसका एक एक्सेप्शन है, सप्लाई टू और बाय अ यूनिट ऑफ SEZ और अ डेवलपर ऑफ SEZ वाला पॉइंट बेटा। माहौल सर फिर एक्सप्लेनेशन देके बोला है क्या, कि अगर मेरा एक ब्रांच महाराष्ट्र में एक ब्रांच राजस्थान में, दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे बेटा। हाँ है ना सर, मेरा एक ब्रांच इंडिया में है, एक ब्रांच आउट ऑफ इंडिया है, दोनों अगेन क्या कहलाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफरेंट पर्सन कहलाएंगे सर। देन कहलाएगा, देन अगर मेरा सेम स्टेट में दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर है तो भी क्या कहलाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगा बेटा। ओके सरकार, सेक्शन नंबर 9 कहता है मालिक क्या, यदा वो नरीमन, अरे मरीन ड्राइव से आपने समंदर की तरफ देखा तो दूर लाल लाइट दिखी होगी पानी के बीच में, वहाँ अपना ऑफिस है सर। अब वो ऑफिस पे आपने सर्विसेज दी, या वो मेरा सर सप्लायर का लोकेशन है बेटा, तो ऐसे केस में वो कौन से स्टेट में क्या माना जाएगा, तो नियरेस्ट बेस लाइन जिस कोस्टल स्टेट या यूनियन टेरेटरी में आती है, ये माना जाएगा कि वो प्लेस उस स्टेट में है, या प्लेस ऑफ सप्लाई वहाँ पर था तो मानेंगे उस स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लाई जो नियरेस्ट बेस लाइन थी बेटा जिस स्टेट में। ओके सेक्शन नंबर 10 सुनो बच्चों, प्लेस ऑफ सप्लाई शुरू हो रहा है अब, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन नंबर 10। सब सेक्शन 1 कहता है सर उसमें क्लोज नंबर ABCDE, क्लोज नंबर ए कहता है जहां पर मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड अदर देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। आई रिपीट, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स शैल बी डिटरमाइंड एज अंडर क्लोज नंबर ए कहता है, वेयर द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, तो ऐसे केस में जहां पर मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट होता है फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट, वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सर भले ही मूवमेंट सप्लायर ने कराया है, रेसिपिएंट ने कराया, उसे कोई कंसर्न नहीं है। क्लोज में भी बोलता है बिल टू शिफ्ट मॉडल, बिल टू शिफ्ट मॉडल के केस में अगर आपने थर्ड पार्टी को गुड्स डिलीवर कर दिया सर रेसिपिएंट के कहने पर, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट का जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। क्लियर, थर्ड बोलता है क्या, क्लोज में सी, जहाँ पर मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व नहीं होता है, वहाँ पे जिस प्लेस में मैंने गुड्स अवेलेबल करवाया बायर को रेसिपिएंट को, वो प्लेस क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लोज में डी बोलता है जहाँ पर मेरे को किसी गुड्स का इंस्टॉलेशन करना है
इरेक्शन करना है एट अ साइट, तो जिस साइट पर जिस प्लेस मैंने इंस्टॉलेशन इरेक्शन किया है वही क्या, और इंस्टॉल करके ही मेरा सप्लाई कंप्लीट होगा, तो जहां मैंने इंस्टॉल किया वही क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड लास्ट बोलता है क्या, ऑनबोर्ड अगर मैंने गुड्स बेचे, ऑनबोर्ड मैंने फ्लाइट में, ट्रेन में या वेसल वगैरह पे ऑनबोर्ड मैंने अगर कोई गुड्स सप्लाई किया है, तो फर्स्ट जहां से गुड्स को मैंने सर, तो ऐसे कैसे प्लेस सप्लाई क्या होगा, जहां से गुड्स फॉर टेकन ऑन बोर्ड वो प्लेस क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, भले रास्ते में कहीं सेल हुआ उसका कंसर्न नहीं है। सब सेक्शन टू कहता है क्या, गवर्नमेंट को पावर है कि अगर कभी डिस्प्यूट होता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड एज बी प्रिस्क्राइब्ड, और रूल्स बनाने की पावर यहाँ से दे रखे, पर एट प्रेजेंट कोई भी झगड़ा नहीं हुआ, कोई रूल नहीं दे रखे इसके लिए। ओके, सेक्शन 11 बोलता है क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी आउटसाइड इंडिया एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। ओके, लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर बेटा। ओके बच्चों, सर सुनने ध्यान से, किसी भी गुड्स को एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कब कहेंगे, टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, एंड किसी भी गुड्स को इंपोर्ट ऑफ गुड्स कब कहेंगे, ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स कहलाएगा बेटा। अच्छा ध्यान देना बेटा, मैंने सिंगापुर से गुड्स परचेज किया और जापान बेच दिया विदाउट ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया एट ऑल, तो ऐसे कैसे, न वो एक्सपोर्ट है न वो इंपोर्ट है, और सर टेक्निकली ये इंटर स्टेट सप्लाई के स्कोप में आ रहा था, इसलिए इसको शेड्यूल 3 ऑफ द CGST एक्ट में कवर करके बोल दिया, इस पर कोई GST लेवी नहीं होगा। ओके, ये प्लेस सप्लाई ऑफ गुड्स खत्म होता है। अब सर सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13 सर्विसेज के प्लेस ऑफ सप्लाई, सेक्शन नंबर 12 बोलता है जहाँ पे सप्लायर का लोकेशन और प्लेस और रेसिपिएंट का लोकेशन दोनों इंडिया है, दोनों टैक्सेबल टेरिटरी है बेटा, सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों, तो सेक्शन नंबर 12 से प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा। सुनना बच्चों ध्यान से क्या कहता है सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन में बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड यूजिंग दिस सेक्शन वेयर लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट सर्विस इज इन इंडिया। क्लियर, तो कनेक्ट केस ने सब सेक्शन 2 से मेन बात शुरू होती है। सब सेक्शन 2 बोलता है क्या, इफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, तो ऐसे केस में लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड अगर है तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, और अगर रेसिपिएंट का रजिस्टर्ड भी नहीं है उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड भी नहीं है तो फिर ऐसे केस में क्या करेंगे, सप्लायर का लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, सब सेक्शन 3 कहता है क्या, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज, जहां सर्विसेज परफॉर्म करी हुई क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। यहां दो कैटेगरी ऑफ सर्विस आती है बेटा, फर्स्ट में पहले बोल रहा हूं, वेयर द सप्लायर ऑफ सर्विस नीड्स फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द पर्सन टू सप्लाई सर्विसेज, रहा है ना, समझ रहे मेरी बात सर, रेस्टोरेंट सर्विस होगी, आप पता नहीं क्या समझ रहे हो, यस सही समझ रहे हो, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक और ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज, मसाज सर्विसेज के केस में वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म दैट लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अरे हाँ है ना बच्चों, अरे सर जल्दबाजी में मिक्स कर गया, जल्दबाजी में मिक्स कर गया, वापस बोलता हूँ मैं सर, वो सेक्शन नंबर 13 का सबसेक्शन 3 बोल गया, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3 बोलता हूँ वापस बेटा, सर सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 हमने पढ़ लिया, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3 इज रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। सरकार सुनिए ध्यान से, सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, भले वो कंस्ट्रक्शन हो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो, कोऑर्डिनेशन काम हो, या रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस हो, या सर एजेंट वाली सर्विस हो, रियल एस्टेट एजेंट हो साहब, होटल अकोमोडेशन सर्विसेज हो, हाउस बोट की सर्विसेज हो, या इंसुलेटेड कोई भी एंसिलरी सर्विसेज हो, इन सब आर्किटेक्ट इंटीरियर डेकोरेटर सब कुछ आ गया इसमें, इन सब के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया तो ऐसे केस में रेसिपिएंट का लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और हाँ, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरेटरी, तो प्रोपोर्शनेट टू ईच स्टेट और यूनियन टेरेटरी हैविंग रिगार्ड टू वैल्यूएशन मैकेनिज्म शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यूएशन मैकेनिज्म नहीं डिफाइन किया तो ऐसे केस में रूल नंबर 4 ने डिफाइन किया कि वैल्यू की ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा स्टेट होगा। अगर होटल अकोमोडेशन इज सर्विसेज के लिए कॉमन फीस चार्ज करी और होटल इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट, अलग अलग होटल में स्टे किया, कॉमन फीस चार्ज करी, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ नाइट स्टे इन ईच स्टेट इज द वैल्यू डिटरमिनेबल, जिसके प्रोपोर्शन में हम क्या करेंगे, रेस्पेक्टिव स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे बेटा। एंड देन अगर हाउस बोट या वेसल में आपने स्टे किया है तो ऐसे केस में नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट, टाइम स्पेंट इन ईच स्टेट, उसके बेस पर प्रोपोर्शन करेंगे। और एनी अदर सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में एरिया ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में प्रोपोर्शन करेंगे, रेस्पेक्टिव स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा। ये था सबसेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन, और प्लस ये रूल नंबर 4 हमने पढ़ लिया बेटा। सबसेक्शन नंबर 4 सरकार रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सबसेक्शन 5 बोलता है ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज के केस में रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं तो वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सबसेक्शन 6 बोलता है क्या, अगर आपने किसी इवेंट में एडमिशन लेने के लिए कोई टिकट खरीदा बेटा, या उससे रिलेटेड कोई भी एंसिलरी सर्विसेज है, जैसे
एजेंट हो गए टिकट के bookmyshow.com, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, जहां पे इवेंट होने वाला है या हो रहा है, इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सर सबसेक्शन नंबर 7 बोलता है, अगर किसी इवेंट से रिलेटेड आपने कोई ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट से रिलेटेड सर्विस दी, बेटा आपने इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया, भले साइंटिफिक इवेंट हो, एजुकेशनल हो, या बिजनेस एग्जीबिशन हो, कुछ भी हो सर, आपने ऑर्गेनाइज किया है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो आप, या उसको स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज दी है, या इनसे रिलेटेड कोई भी इनसे सर्विस दी, तो ऐसे केस में अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं तो जहां इवेंट हो रहा है या होने वाला है वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। पर अगर इवेंट आउट ऑफ इंडिया हो रहा है तो रेसिपिएंट का लोकेशन शेल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर इवेंट मोर देन वन स्टेट में हो रहा है, या मोर देन वन स्टेट और मोर देन वन यूनियन टेरिटरी में हो रहा है, तो ऐसे केस में रेस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूएशन शेल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और वैल्यूएशन मैकेनिज्म अगर कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन नहीं किया तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से वैल्यूएशन निकालेंगे, और रेस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर हाँ, इन सब की बात आएगी नहीं अगर रेसिपिएंट क्या है, रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट का लोकेशन क्या होता है बच्चों? प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 8 बोलता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं तो जहां से गुड्स उठाया है, वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर, दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर डेस्टिनेशन गुड्स इज आउटसाइड इंडिया, तो अगर गुड्स का बाहर ले रहे हो तो आउटसाइड इंडिया इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, डेस्टिनेशन गुड्स विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। बेटा हाँ है ना, अगर आउट ऑफ इंडिया ले जा रहे हो तो, अदरवाइज जहाँ से गुड्स उठाया है वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्लियर? सेक्शन में 12 सब सेक्शन 9 बोलता है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस के केस में, अगेन सेम पॉइंट, अगर पैसेंजर रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर पैसेंजर रजिस्टर्ड नहीं है तो जहाँ से पैसेंजर को उठाया है, मतलब द प्लेस फ्रॉम वेयर द पैसेंजर एम्बार्क ऑन द कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी, दैट प्लेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर रिटर्न जर्नी अगर आपने बुक कराई है मुंबई टू गोवा एंड गोवा टू मुंबई, तो दोनों जर्नी को सेपरेट जर्नी मानेंगे बेटा। और हाँ, अगर एट द टाइम ऑफ बुकिंग द पैसेज प्लेस ऑफ एम्बार्केशन डिफाइन नहीं है, मैंने 100 टिकट एक साथ बुक कर दिए और बोल दिया साल में कभी भी जाना होगा मुझको, जहाँ से भी जाना होगा तो मैं 4 दिन पहले बोल दूंगा, तो एट द टाइम ऑफ बुकिंग द पैसेज ये डिफाइन नहीं है कि पैसेंजर कहाँ से एम्बार्क करेगा, तो ऐसे केस में सर सब सेक्शन 2 से प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे जनरल प्रोविजन के हिसाब से बेटा। ओके क्लियर? पर हाँ, इन सब केस में झगड़ा होगा ही नहीं अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन क्या होगा बेटा? प्लेस ऑफ सप्लाई। सब सेक्शन नंबर 10 बोलता है ऑनबोर्ड सर्विसेज, क्या बोलता है बेटा? ऑनबोर्ड सर्विसेज, आपने फ्लाइट में खाना खाया, क्लियर, आपने फ्लाइट में कोई सर्विसेज ली ऑनबोर्ड, अगर आपने पार्टी वार्टी करी कुछ भी मंगाया, तो ऐसे केस में फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर of the conveyance will be the place of supply। Subsection number 11 बोलता है telecom services including cable services, data transfer services, broadcasting services, direct to home television services, अरे D2H सर, direct to home television services, cable services, इन सब के केस में place of supply क्या होगा? अब सर अगर fixed landline connection है या leased circuit के through service दे रहे हो आप बेटा साहब, तो या टावर या एंटीना लोकेटेड है, तो ऐसे केस में जहाँ वो टावर या एंटीना लोकेटेड है या फिक्स्ड लाइन लोकेटेड है वही क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर मोबाइल कनेक्शन है, तो ऐसे केस में अगर पोस्टपेड है टेलीफोन सर्विस के केस में, इंटरनेट के केस में, तो ऐसे केस में बिलिंग एड्रेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर प्रीपेड है टेलीफोन सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज या डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सर्विसेज के केस में अगर प्रीपेड है, तो सर अगर जैसे एयरटेल ने सर्विसेज दी किसको? एजेंट को वाउचर बेचा बैठा उसने सेलिंग एजेंट को, तो एजेंट का लोकेशन शेल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, रीसेलर का एजेंट का लोकेशन या डिस्ट्रीब्यूटर का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, इन रेस्पेक्ट ऑफ सिम कार्ड उसको बेचा आपने या कनेक्शन वाउचर बेचा आपने उसको। तो और अगर या तो एजेंट ने डायरेक्ट कंज्यूमर को सब्सक्राइबर को बेचा या डायरेक्ट कंपनी ने ही सब्सक्राइबर को बेचा, अगर डायरेक्टली प्रीपेड की सर्विसेज दी किसको? डायरेक्ट टू सब्सक्राइबर, तो वेयर सच प्री पेमेंट इज रिसीव्ड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर आपने ऑनलाइन रिचार्ज कराया, तो रेसिपिएंट का लोकेशन ऑन रिकॉर्ड जो होगा वही क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। और इन सब से अगर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं निकल रहा, तो रेसिपिएंट का लोकेशन शेल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और हाँ, इस पूरे रूल में अगर रेसिपिएंट का लोकेशन डिटरमिनेबल नहीं है या इस पूरे रूल से आपका आंसर नहीं आ रहा, तो फिर क्या करेंगे? सप्लायर का लोकेशन ही क्या हो जाएगा बच्चों? प्लेस ऑफ सप्लाई। और हाँ, अगर लीज्ड सर्किट के थ्रू आप सर्विस दे रहे हो, तो जहाँ लीज्ड सर्किट लोकेटेड होता है वही क्या होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई। पर बट इफ सच लीज्ड सर्किट इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट और मोर देन वन यूनियन टेरिटरी, तो रेस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी प्रोपोर्शनेट टू द वैल्यूएशन मैकेनिज्म और अदर मैकेनिज्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विल बी द, उसके अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यूएशन मैकेनिज्म नहीं दे रखा, तो एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और उसके लिए रूल नंबर 6 दे रखा है। रूल नंबर 6 बोलता है क्या? लीज्ड लाइन के लिए आपने जो सर्किट्स लगाए हुए बेटा, अगर टू पॉइंट है, एक वन स्टार्टिंग पॉइंट एक एंड पॉइंट, तो जिस स्टेट में वो दोनों पॉइंट लोकेटेड है वो दोनों स्टेट इक्वली प्लेस ऑफ सप्लाई होंगे। और अगर बीच में कोई इंटरमीडिएट पॉइंट भी है
जहाँ से लीड सर्किट की सर्विस देते हो आप, तो ऐसे केस में वो इंटरमीडिएट पॉइंट, बीच वाला पॉइंट जहाँ लोकेटेड होगा जिस स्टेट में, वो भी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा और इक्वल डिवाइड कर देंगे तीनों स्टेट के अंदर बेटा। क्लियर? स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट और अगर बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट भी है लीड सर्किट का, तो रेस्पेक्टिव स्टेट जहाँ जहाँ वो पॉइंट लोकेटेड है वो सब इक्वली प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग डिफाइन हो जाएंगे बेटा। ये था सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 12 बोलता है बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस केस में। सर, रेसिपिएंट का लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर रेसिपिएंट का लोकेशन ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो सप्लायर का लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चों? प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 13 बोलता है क्या? इंश्योरेंस सर्विसेज केस में अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड तो हो गया होगा, नहीं तो इंश्योरेंस क्लेम भेजेंगे कहाँ बेटा? क्लियर? डन। और सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 14 बोलता है एडवर्टीजमेंट सर्विसेज। एडवर्टीजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरेटरी या कोई स्टेटरी बॉडी को अगर आपने सर्विसेज दिए इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एडवर्टीजमेंट टू बी डिसमिनेटेड एनी इन एनी स्टेट और यूनियन टेरेटरी, तो सर जिस स्टेट में या यूनियन टेरेटरी में वो एडवर्टीजमेंट डिसमिनेट हो रहा है वो रेस्पेक्टिव स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और मोर देन वन स्टेट में हो रहा है तो रेस्पेक्टिव स्टेट अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन मैकेनिज्म विल बी द प्रोपोर्शनली द प्लेस ऑफ सप्लाई। ये आपका सेक्शन नंबर 12 खत्म होता है। अब सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन वन बोलता है जहाँ पे सप्लायर का लोकेशन और रेसिपिएंट का लोकेशन दोनों में से एक क्या है टैक्सेबल टेरिटरी और एक क्या है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी डिटरमाइन यूजिंग दिस सेक्शन। और सब सेक्शन 2 बोलता है क्या? रेसिपिएंट का लोकेशन। देखो सर, सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 2 हो या सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 2 हो, ये बोलता है कि अगर आपकी सर्विसेज स्पेसिफिक जो प्रोविजन दे रखे, जैसे सेक्शन नंबर 12 में सब सेक्शन 3 से लेके 14 में स्पेसिफिक प्रोविजन दे रखे तो वो रेस्पेक्टिव सब सेक्शन फॉलो करे, और वहाँ कवर नहीं है तो सब सेक्शन 2, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका सब सेक्शन 2 है। ओके, सेम वे सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 2 बोलता है क्या? अगर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज नॉट डिटर्मिनेबल एज पर सबसेक्शन 3 to 13, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी डिटरमाइन यूजिंग सबसेक्शन 2। जनरल प्रोविजन बोलता है क्या? रेसिपिएंट का लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और हाँ, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रेसिपिएंट का लोकेशन अगर डिटर्मिनेबल नहीं है तो सप्लायर का लोकेशन क्या हो जाएगा बट प्लेस ऑफ सप्लाई। अब सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3 जो मैं सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 12 के टाइम पढ़ा देता बेटा वो आ रहा है। सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3 बोलता है क्या? परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज, जहां सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म करी हुई, क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। यहां पे दो कैटेगरी ऑफ सर्विसेज है। फर्स्ट, वेयर द सप्लायर ऑफ सर्विस नीड्स फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द पर्सन टू सप्लाई हिज सर्विसेज टू परफॉर्म हिज सर्विसेज, तो ऐसे केस में जहां सर्विसेज परफॉर्म करी है वही क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर सर? जैसे रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस हो गई, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस हो गई, हेल्थ सर्विसेज हो गई, मसाज सर्विसेज हो गई, माहौल एकदम जबरदस्त, जहाँ सर्विसेज परफॉर्म करी हुई क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। सेकंड कैटेगरी बोलता है वेयर द सप्लायर ऑफ सर्विस नीड्स फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द गुड्स टू परफॉर्म इज सर्विसेज, तो ऐसे केस में जहाँ सर्विसेज परफॉर्म करी वही क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। पर सर, अगर गुड्स किसी और लोकेशन पे लोकेटेड है और हमने यहाँ बैठे बैठे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू गुड्स का रिपेयरिंग कर दिया, ऐसे केस में रिपेयरिंग करते वक्त या सर्विसेज परफॉर्म करते वक्त जो गुड्स जहां लोकेटेड था वही क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड सर, अगर कोई गुड्स टेम्पररी इंडिया में एंटर हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर्स या एनी अदर प्रोसेस और ट्रीटमेंट, और वो रिपेयर या प्रोसेस या ट्रीटमेंट होने के बाद वो गुड्स वापस से इंडिया से बाहर चला गया है विदाउट बीइंग यूज इन इंडिया, वो गुड्स वापस आपने बाहर भेज दिया है विदाउट बीइंग यूज इन इंडिया या एक्सेप्ट वो यूज विच वॉज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द रिपेयरिंग या ट्रीटमेंट सर्विसेज। क्लियर? तो ऐसे केस में सबसेक्शन 3 फॉलो नहीं करेंगे। अब 3 फॉलो नहीं करेंगे तो क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे, और 2 लगाएंगे तो रेसिपिएंट का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, और वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आएगा तो सप्लायर का लोकेशन आएगा बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? माहौल। सर, ये था सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 4 बोलता है क्या? सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हमेशा जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है या इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है वो लोकेशन क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। सबसेक्शन 5 या उससे रिलेटेड कोई भी सर्विस बेटा। देन सबसेक्शन 5, कोई भी इवेंट या अम्यूजमेंट फैसिलिटी में आपने एंट्री टिकट लिया, राइट टू एडमिशन, या उसको ऑर्गेनाइज करने की सर्विसेज दी, या उससे रिलेटेड कोई भी एंसिलरी सर्विसेज है, तो जहाँ वो इवेंट हो रहा है या होने वाला है वही क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो यहाँ पे रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है या नहीं है कुछ भी नहीं बोला बेटा, डायरेक्ट जहाँ वो इवेंट हो रहा है होने वाला है वही क्या हो जाएगा बच्चों? प्लेस ऑफ सप्लाई। सबसेक्शन 6 बोलता है क्या? सबसेक्शन 3, 4 और 5 वाली सर्विसेज अगर मोर देन वन स्टेट या मोर देन वन यूनियन सॉरी अगर मोर देन वन टेरिटरी में प्रोवाइड करिए इंक्लूडिंग वन इन इंडिया, आई रिपीट, सबसेक्शन 3, 4 और 5 वाली सर्विसेज आपने मोर देन वन टेरिटरी में प्रोवाइड करिए इंक्लूडिंग वन इन इंडिया, तो एंटायर सर्विस के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इंडिया टैक्सेबल टेरिटरी बेटा, और पूरी वैल्यू के लिए इंडिया ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बेटर क्या है? अलग अलग बिल बनाओ बेटा,
तो रेस्पेक्टिव कंट्री इज द प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा आपका बेटा. ओके उसमें एक्सपोर्ट होने के चांस है बेटा आपके. ओके सबसेक्शन नंबर 7 बोलता है क्या, व्हेन सबसेक्शन 3, 4 और 5 की सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन मोर देन वन स्टेट और मोर देन वन यूनियन टेरिटरी. तो ऐसे केस में सर रेस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी और रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोपोर्शनेट टू द वैल्यूएशन मैकेनिज्म एज डिफाइंड इन कॉन्ट्रैक्ट. और कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन नहीं किया तो एज में भी प्रिस्क्राइब्ड. और उसके लिए रूल दे दिया बेटा, और रूल नंबर 7 देखिए बोल दिया क्या, आप रेस्पेक्टिव वही प्रोविजन फॉलो करेंगे जो हमने सेक्शन नंबर 12 के रूल्स में फॉलो किया था बेटा. बस परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज में अगर आपने किसी पर्सन पे सबसेक्शन 3 वाली सर्विसेज वे सर्विसेज आर परफॉर्म्ड ऑन पर्संस, तो ऐसे केस में सर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से निकालेंगे रेस्पेक्टिव स्टेट का प्रोपोर्शन बेटा. एंड अगर गुड्स पे आपने सर्विसेज परफॉर्म करी और सेम गुड्स अगर है तो इक्वल डिवाइड कर देंगे अमंग ऑल द स्टेट्स सर. एंड देन अगर अलग अलग गुड्स पे आपने सर्विसेज डिफाइन करी तो सर रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, सर वैल्यू ऑफ गुड्स का जो रेशियो होगा उस रेशियो में हर स्टेट में डिवाइड कर देंगे प्लेस ऑफ सप्लाई को बेटा, और रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. देन आ रहा है क्या आपका सबसेक्शन नंबर 8, दिल थाम के बेटी का 3 सर्विसेज हमेशा सप्लायर का लोकेशन क्या होगा बेटा, प्लेस ऑफ सप्लायर. रेसिपिएंट का लोकेशन देखना भी नहीं है. फर्स्ट क्या है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC टू इट्स अकाउंट होल्डर्स. सेकंड इंटरमीडियरी सर्विसेज, भले वो इंटरमीडियरी ऑफ गुड्स हो या इंटरमीडियरी ऑफ सर्विसेज हो सर दोनों के केस में रेसिपिएंट का लोकेशन देखना ही नहीं, सप्लायर जो एजेंट है उसका लोकेशन द प्लेस ऑफ सप्लाई. और थर्ड सर सर्विसेज बाय वे ऑफ हायरिंग ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन वेसल और एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग यॉट, याच बोल दो यॉट बोल दो सर, अप टू पीरियड ऑफ 1 मंथ. अप टू पीरियड ऑफ 1 मंथ अगर आपने दिया है कोई भी मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट हायरिंग पे दिया है अदर देन एयरक्राफ्ट और वेसल इंक्लूडिंग यॉट, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट का लोकेशन देखना भी नहीं है, सप्लायर का लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. सर ये था सबसेक्शन नंबर 8. सबसेक्शन नंबर 9 बोलता है इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड सर्विसेज अदर देन मेल और कुरियर सर्विस के केस में डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. क्या बोला बेटा, डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. वहां पे क्या था, जहां से गुड्स को उठाया है या फिर क्या जहां गुड्स को फेंका है वो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेस ऑफ सप्लाई. सबसेक्शन 10 बोलता है क्या, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस के केस में जहां से पैसेंजर ने एम्बार्क किया है फॉर द कन्वेंस ऑन द कन्वेंस फॉर कंटिन्यूस जर्नी वो क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई. पर हाँ याद रखना बेटा, मल्टीपल जर्नी अगर है तो उसको सिंगल जर्नी मानते हैं, जैसे वहां लिखा था सेक्शन नंबर 12 में कि रिटर्न टिकट अगर है तो उसको सेपरेट जर्नी मानना है, यहाँ पे सिंगल जर्नी मानना है. क्लियर, एक ही जर्नी के अंदर मल्टीपल टिकट्स अगर आपके है तो फर्स्ट टिकट जहां से आपने इश्यू कराया है, फर्स्ट बार जहां से आप एम्बार्क हुए, सिंगल टिकट अगर है, सिंगल टिकट अगर है मल्टीपल जर्नी के लिए तो फर्स्ट जहां से आपने एम्बार्क किया वही क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द एंटायर जर्नी. एंड सर सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 11 बोलता है ऑनबोर्ड सर्विसेज केस में, किस केस में बेटा, ऑनबोर्ड सर्विसेज के केस में फर्स्ट शेड्यूल्ड डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. जैसे फ्लाइट में आपने खाना वाना खाया कोई भी सर्विसेज ली बेटा आपने, क्लियर माहौल आपने जबरदस्त. सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 12 बोलता है क्या, OIDR सर्विसेज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज प्रोवाइड करिए, तो ऐसे केस में हमेशा रेसिपिएंट का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा. और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रेसिपिएंट का लोकेशन नहीं है तो निकाल लेना बेटा, वहां 7 फैक्टर दिए, इन 7 फैक्टर में कोई भी 2 फैक्टर पूरे हो गए थे मान लेंगे रेसिपिएंट इंडिया का है बेटा. क्या क्या 7 फैक्टर, फर्स्ट IP एड्रेस, अरे हाँ ना बच्चों सर IP एड्रेस हो गया, जिस सिम कार्ड से उसने इंटरनेट कनेक्ट किया वो सिम कार्ड कहाँ से इशू हुआ बेटा, वो अगर इंडिया से इशू हुआ. देन वाईफाई कनेक्शन है तो वाईफाई कनेक्शन लैंडलाइन कनेक्शन कहाँ का, इंडिया का होना चाहिए बेटा, क्लियर, तो इंडिया मान लेंगे सब. देन जिस बैंक से उसने पेमेंट किया वो बैंक इंडिया में लोकेटेड है, अगर उसने किसी कार्ड से पेमेंट किया तो कार्ड इंडिया का है बेटा, इंडिया से कार्ड इशू हुआ पेमेंट कार्ड बेटा. देन सर उसने जब लॉगिन किया होगा तब एड्रेस जो दिया वो इंडिया का दिया, बिलिंग एड्रेस जो दिया वो इंडिया का दिया, इन 7 में से कोई भी 2 कंडीशन पूरी होती है तो ऐसे केस में ये मान लेंगे हमेशा रेसिपिएंट इंडिया में लोकेटेड बेटा. क्लियर, ये सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 12 खत्म हो गया. सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 13 लास्ट सबसेक्शन ऑफ सेक्शन नंबर 13, यहां गवर्नमेंट को पावर दिया कि साहब अगर गवर्नमेंट को लगता है कि किसी पर्टिकुलर केस में डबल टैक्सेशन हो रहा है या किसी पर्टिकुलर केस में टैक्स लग नहीं रहा है तो ऐसे केस में गवर्नमेंट चाहे तो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई डिफाइन कर सकती है, और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफाइन करके बोल देगी कि इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई यही रहेगा. और 8% 2 ट्रांजेक्शन डिफाइंड है, जिनके July 20 में एग्जाम है उनके लिए तो एक ही ट्रांजेक्शन, जिनके लिए November 20 एग्जाम से उनके लिए एक ट्रांजेक्शन और एड हो गया बेटा इसके अंदर. सुनना दोनों पॉइंट बोल रहा हूं मैं आपके लिए, फर्स्ट जो ऑलरेडी था पॉइंट में जो July 20 में भी एप्लीकेबल है वो क्या है, सप्लाई ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज रिलेटिंग टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जहां पे सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड इन इंडिया एंड रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, तो ऐसे केस में हमेशा रेसिपिएंट का लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. किसका लोकेशन बेटा, रेसिपिएंट का लोकेशन. क्यों, क्योंकि बेटा सप्लायर इंडिया का है, रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया का. अब सर R&D सर्विस दे रहा है किस पे, मेडिसिन पे बेटा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में,
तो सबसेक्शन थ्री में कवर हो गया, जहां सर्विसेज परफॉर्म होंगी वही प्लेस सप्लाई हो जाएगा। तो यार यहाँ पे तो टैक्स लग जाएगा बच्चों, वो एक्सपोर्ट में कवर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्री क्या बोल दिया, रेसिपिएंट का लोकेशन शुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, आरएनडी सर्विसेज इन रिलेशन टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जहां पे सप्लायर ऑफ सर्विस इंडिया का है, रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया का, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर कंडीशन क्या है, आपने जो सर्विसेज दिए एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए, और सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की अदर कंडीशन सारी फुलफिल हो रखी है आपकी बेटा। एंड सेकेंड पॉइंट जो अभी इसी बार एड हुआ है, जो नवंबर 20 के लिए रिलेवेंट है, जुलाई 20 के लिए रिलेवेंट नहीं है, रिपेयरिंग सर्विसेज, रिपेयरिंग मेंटेनेंस और ओवरहॉल सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट इंजन या पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ एयरक्राफ्ट केस में हमेशा रेसिपिएंट का लोकेशन शिल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, रेसिपिएंट का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा बच्चों। क्लियर, ये था सेक्शन नंबर 13 पूरा खत्म होता है। अब भारत माता की जय, आई होप यू गुड द एंटायर पॉइंट। अब एक दो सर्कुलर की बात और कर लेता हूं बेटा मैं, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के केस में। सर अभी अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड क्या करता है, सैटेलाइट लॉन्च सर्विस देता है बेटा। अब सैटेलाइट लॉन्च सर्विस क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विस, क्योंकि सैटेलाइट को लॉन्च करा है, भेज रहा है कहीं और। तो सर ऐसे केस में सर वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में कवर होगा। अब अगर रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, देखो देखो अंतरिक्ष इंडिया, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड तो इंडिया का बेटा। अब जिसने सर्विस ली रेसिपिएंट भी इंडिया का है, सेक्शन में 12 लगेगा बेटा। और अगर उसने सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज ली है, तो सर सिंस सैटेलाइट आउट ऑफ इंडिया जारी लॉन्च हो गई बेटा, तो जब भी गुड्स आर सेंट आउट ऑफ इंडिया, तो डेस्टिनेशन गुड्स दैट इज आउट ऑफ इंडिया इज द प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा। मतलब सप्लायर इंडिया का, रेसिपिएंट भी इंडिया का, प्लेस ऑफ सप्लाई आउट ऑफ इंडिया हो गया, इंटरस्टेट सप्लाई आईजीएसटी लग जाएगा बेटा। और अगर रेसिपिएंट ऑफ सर्विस आउट ऑफ इंडिया का बेटा, ये आउट ऑफ इंडिया के किसी पर्सन ने इंडियन ये जो अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड उसको बोला कि साहब हमारी सैटेलाइट आपको लॉन्च करना है और लॉन्चिंग सर्विसेज दी हमारी इंडिया की कंपनी ने, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया बेटा, सप्लायर इंडिया का, सेक्शन 13 लगेगा। सब सेक्शन 9 बोलता है कि ट्रांसपोर्ट गुड्स केस में डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स इज द प्लेस ऑफ सप्लाई जो आउटसाइड इंडिया है, और ऐसे केस में आउटसाइड इंडिया इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लायर इंडिया का, रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउट ऑफ इंडिया का, पेमेंट अगर फॉरेन करेंसी में आ रहा है, क्लियर। एंड अगर दोनों पर्सन सेम पर्सन की अलग अलग ब्रांच नहीं, तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में कवर हो जाएगा और बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा एक्सपोर्ट का बेटा। बोलो भारत माता की जय। सर देना था क्या, एक और पॉइंट, एक और सर्कुलर बेटा। अच्छा मान लो मेरे को यूएसए की किसी कंपनी ने, मेरे को यूएसए की किसी कंपनी ने सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट दिया, एक मान लो 10 करोड़ का बेटा। अब मैंने वो काम आउटसोर्स कर दिया जापान की किसी कंपनी को, और जापान की कंपनी को बोला क्या, एक काम करो आप डायरेक्ट सर्विस दो अमेरिका के वाली कंपनी को, और अमेरिकन कंपनी को मैंने बोला कि जापान वाले को 6 करोड़ दे देना और रिमेनिंग 4 करोड़ मेरे को देना, 10 करोड़ फीस था, मुझे 6 करोड़ पे करने थे जापान वाले को और 4 करोड़ पे करने, और 4 करोड़ मेरे पास रह जाता बेटा, 10 करोड़ मिलता अमेरिका वाले से, 6 करोड़ देता किसको, जापान वाले को। मैंने अमेरिका वाले को बोल दिया डायरेक्ट एक काम कर 6 करोड़ पे कर दो जापान वाले को और 4 करोड़ दे दो मेरे को बेटा। ऐसे केस में सर फॉर दी पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस एक कंडीशन है कि कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आना चाहिए बेटा। अब मैंने जो सर्विस दी वो अमेरिका वाले को दी बेटा थ्रू जापान वाला बेटा, तो सप्लायर इंडिया का, रेसिपिएंट अमेरिका वाला, प्लेस सप्लाई भी अमेरिका हो गया बेटा, एक्सपोर्ट में कवर है, पर पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए ना बेटा यार, तो पेमेंट तो आया 4 करोड़ बेटा। तो सर्कुलर देखिए डिपार्टमेंट बोला है कि नहीं 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 ऐसा आरबीआई ने अलाउ किया हुआ है कि पेमेंट अगर डायरेक्ट इंडिया में नहीं है और आपने डायरेक्ट थर्ड पार्टी को पे करवा दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें मान लेंगे कि इंडिया में पेमेंट आ गया है, और ऐसे केस में पूरा 10 करोड़ का सर्विस मैंने एक्सपोर्ट किया है माना जाएगा। और सेकंड थिंग, 6 करोड़ की सर्विस दी किसने, जापान वाले ने मेरे को बेटा, तो उसको इंपोर्ट सर्विस में अगर कवर होता तो वो इंपोर्ट सर्विस में आ जाएगा, और ऐसे केस में रिवर्स आज में 6 करोड़ में मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा, पर उसका मेरे को आईटीसी मिल जाएगा बेटा, क्लियर। और 10 करोड़ पूरा एक्सपोर्ट के लाएगा बच्चों, क्लियर डन। डाउट ये था कि क्या केवल 4 करोड़ एक्सपोर्ट में आएगा या पूरा 10 करोड़ एक्सपोर्ट में जाएगा, तो पूरा 10 करोड़ एक्सपोर्ट में चला जाएगा, भले पेमेंट डायरेक्ट आपने जापान वाले को दिलवा दिया बेटा, क्लियर माहौल। सरकार देन आया एक और सर्कुलर बेटा कि जो ये पोर्ट अथॉरिटी होती है बेटा, ये पोर्ट अथॉरिटी क्या करती है बच्चों, ये कार्गो हैंडलिंग सर्विस देती बेटा। सर पोर्ट सर्विस देती कई सारी सर, अभी पोर्ट अथॉरिटीज जब भी वैगन आता है, वेसल आता है बाहर से, लोडिंग अनलोडिंग सर्विस हो गई वहाँ पे सर, उसको अनलोड कराने की सर्विस होगी बेटा, उसको वहाँ पे पार्किंग की सर्विस होगी बच्चों, तो ये सब जो कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज वगैरह हो गई, इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया कि ये सर्विसेज आर नॉट इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे जनरल प्रोविजन जो सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 का है वो लगेगा सर, या फिर सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 अगर एक पर्सन आउट ऑफ इंडिया का है तो सेक्शन नंबर 13 2 लगेगा, मतलब जनरल प्रोविजन लगेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले सर्विस के प्रोविजन यहाँ पे नहीं लगेंगे, क्योंकि दैट इज नॉट इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई रेंट भी नहीं दिया प्रेस बेटा। सेकेंड, अगर कोई डायमंड वगैरह इंडिया में टेम्प्रेरी इंपोर्ट हुआ है और उसकी कटिंग पॉलिशिंग आप कर रहे हो बेटा, तो ऐसे केस में सप्लायर ऑफ सर्विस इंडिया का है, रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया का है, टेम्प्रेरी गुड्स इंडिया में आया है बेटा, तो सर गुड्स पे आप रिपेयरिंग परफॉर्म करो तो सेक्शन में 13 सबसेक्शन 3 में जाएंगे, पर गुड्स पे रिपेयरिंग या ट्रीटमेंट या प्रोसेस करके आप गुड्स को वापस से बाहर भेज देंगे बेटा,
तो वो सबसेक्शन टू में कवर हो जाएगा, और सबसेक्शन टू बोलता है कि रेसिपिएंट का लोकेशन, और अगर अदर फैक्टर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस पूरा हो गया तो एक्सपोर्ट के बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएंगे बेटा। क्लियर, डन। सर एक और सर्कुलर था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, ये सर्कुलर विड्रॉ हो चुका है बेटा, तो मेरे को नहीं लगता कि जुलाई 20 वाले एग्जाम में ये रिलेवेंट होगा, एग्जाम में नहीं पूछेंगे मेरे को ज़्यादा लगता है बेटा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज के केस में सर्कुलर विड्रॉ हो चुका है बच्चों। क्लियर, जो सर्कुलर नंबर था आपका सर्कुलर नंबर 107/26/2019 डेटेड 18th of July 2019 बेटा। ओके सर, का नेक्स्ट होता है क्या, प्लेस सप्लाई इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन सर्विसेज रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर और डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बेटा। सुनना बच्चों, अब सॉफ्टवेयर या डिजाइन सर्विसेज होती है, इसके लिए क्या होता है, आउट ऑफ इंडिया से जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है वो इंडिया में एक सैंपल भेजता है जिसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। उस प्रोटोटाइप के बेस पे हम क्या करते हैं, नए सॉफ्टवेयर बनाते हैं या उसी में कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं। तो क्या मैं किसी गुड्स पे परफॉर्म कर रहा हूँ क्या, नहीं, मैं नया सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा हूँ, इसलिए सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 में नहीं आएगा। सेक्शन 13(3) क्या बोलता है, अगर मुझे किसी गुड्स का फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड टू परफॉर्म माय सर्विसेज, उसमें कवर नहीं होगा। ये जनरल सेक्शन जो सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 है उसमें कवर होगा, ये सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया। भले ही टेस्टिंग किट बाहर से आ रहे हैं, भले ही प्रोटोटाइप बाहर से आ रहा है, पर उस पर मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं नया सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, नई डिजाइन ले रहा हूँ बेटा मैं। क्लियर, सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 लगेगा बच्चों यहाँ पे। इसी के साथ सेक्शन नंबर 13 प्लस ऑल रिलेटेड प्रोविजंस प्लस ऑल रिलेटेड सर्कुलर खत्म होता है। अब आइए सेक्शन 14, भाइयों ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज, आउट ऑफ इंडिया से आपने इंडिया में लिए और अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, पर अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है उसको बोलते हैं क्या, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, तो ऐसे केस में सप्लायर जो आउट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है वही टैक्स पे करेगा, और हाँ वही टैक्स पे करेगा, और वो ही टैक्स पे करेगा, मतलब वहाँ पे भी 3 पॉइंट जैसे ECU में थे बेटा, वैसे पॉइंट 95 में जो थे बेटा, मतलब अगर उस OIDR सर्विस प्रोवाइडर का जैसे netflix.com का इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस है तो वही टैक्स पे करेगा, इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो होगा इंडिया में वो टैक्स पे करेगा, न फिजिकल प्रेजेंस है न रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है तो ही विल हैव टू अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया हु विल पे टैक्स ऑन देयर बिहाफ, क्योंकि netflix.com से जो आपने वीडियो सब्सक्राइब किए आप एंड कंज्यूमर हो, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, आपसे टैक्स रिकवरी ना हो पाएगा बेटा। क्लियर, इसलिए वही टैक्स पे करेगा बच्चों। क्लियर, डन। पर ऐसे केस में इस सेक्शन ने पावर दिया कि उनके लिए सिंप्लीफाइड प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन रखेंगे, सिंप्लीफाइड प्रोसेस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स रखेंगे, सिंप्लीफाइड प्रोसेस ऑफ रिटर्न रखेंगे बेटा। पर एक बात और आती है इसके अंदर बेटा कि सर सप्लायर लायबल है, कौन लायबल बेटा इसमें, सप्लायर ऑफ सर्विस जो आउट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है वो लायबल बेटा। पर मान लो आपने बीच में एक इंटरमीडिएट था उसके थ्रू वो सर्विसेज आपने ली बेटा, जैसे आपने facebook.com, आपको वीडियो का लिंक मिला कहाँ से, facebook.com से बेटा, आपने facebook.com पे गए, facebook.com से आपने लिंक लिया और लिंक डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे ले गया आपको बेटा, तो एक्चुअली सर्विस कौन दे रहा है, नेटफ्लिक्स। पर मैं जो चार कंडीशंस बोल रहा हूँ फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी, ये चारों कंडीशन अगर पूरी होगी तो मानेंगे कि netflix.com सप्लायर है, पर ये चारों कंडीशन क्यूमुलेटिवली अगर पूरी नहीं होगी तो ये मान लेंगे कि इंटरमीडिएट जो बीच में था facebook.com वो सप्लायर ऑफ सर्विस है और सारे प्रोविजन ऑफ द एक्ट उस फेसबुक को लग जाएंगे बेटा। अभी चारों कंडीशन कौन कौन सी, फर्स्ट सप्लायर जो netflix.com है और कंज्यूमर जिसने वीडियो देखे बेटा सब्सक्राइब किए, इन दोनों के बीच में जो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट फाइनलाइज हुई उसमें facebook.com का इंटरमीडिएट का कोई रोल नहीं है। सेकंड, रेसिपिएंट ने जो पेमेंट किया वो डायरेक्ट सप्लायर के अकाउंट में गया है, फेसबुक के अकाउंट में नहीं गया है, इंटरमीडिएट अकाउंट में नहीं गया है। थर्ड, अगर सर्विसेज वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव थे इसके केस में इंटरमीडिएट किसी भी लेवल पर रेस्पॉन्सिबल नहीं है, और जो इनवॉइस या डॉक्यूमेंट जो इशू किया है उसमें क्लियर लिखा है कि सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय netflix.com नॉट बाय द इंटरमीडिएट, तो ऐसे केस में netflix.com ही सप्लायर कहलाएगा। पर अगर ये चारों कंडीशन पूरी नहीं होती है तो इंडिया में जीएसटी पे करने के लिए लायबल हो जाएगा वो इंटरमीडिएट, क्योंकि वो इंटरमीडिएट को मान लेंगे कि वो सप्लायर और सर्विस है बेटा। क्लियर, डन। ये पूरा सेक्शन 14 खत्म होता है। अब सेक्शन 15 फॉरेन टूरिस्ट, अरे सेक्शन 15 फॉरेन टूरिस्ट याद है क्या बेटा, अगर आपने कोई भी गुड्स फॉरेन टूरिस्ट को बेचा है और फॉरेन टूरिस्ट वो गुड्स इंडिया से बाहर लेके जाता है तो पहली बात तो जब फॉरेन टूरिस्ट को आप गुड्स बेचेंगे तो वो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है उस पर IGST चार्ज करेंगे, और वो फॉरेन टूरिस्ट जब वो गुड्स लेके बाहर जाएगा इंडिया से तब उस गुड्स पे जो IGST पे उसको क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा इस पर सेक्शन में 15। आइए सेक्शन में 16, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। सर जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस में दो ट्रांजेक्शन आते हैं, एक तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस, और बहुत सेकंड सप्लाई टू अ यूनिट और डेवलपर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आपने इनको सप्लाई किया तो वो भी जीरो रेटेड सप्लाई में आएगा। अच्छा, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बहुत में दो ऑप्शन है, या तो आप बॉन्ड या LOT साइन करिए
तो ऐसे केस में आपको सेल पे कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपने बॉन्ड या एलओडी साइन नहीं किया तो इंटरस्टेट सप्लाई होता है ये ट्रांजेक्शन, इसलिए आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। पर चिंता मत करना, ये जो सेल पे आप आईजीएसटी पे करेंगे उसका आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा इस पर सेक्शन 54। और हाँ, अगर आपने सेल पर सेल करने से पहले मतलब जीरो रेट सप्लाई करने से पहले बॉन्ड या एलईडी साइन कर दिया तो ऐसे केस में आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं सेल पर, पर परचेस पे जो टैक्स पे किया उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा, भले ही जीरो रेट सप्लाई करने वाला गुड्स एग्जम्प्ट या टैक्स वालों से फर्क नहीं पड़ता। आई रिपीट, आपने जो गुड्स एक्सपोर्ट किया है या एसजेड को सप्लाई किया वो भले ही टैक्सेबल हो या एग्जम्प्ट गुड्स हो, अगर आपने बॉन्ड या एलईडी साइन किया कोई टैक्स पे नहीं करना फिर भी आपको सारा आईटीसी मिल जाएगा। और आईटीसी यूज आ जाए तो वो ठीक है, नहीं यूज आएगा तो इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 आपको रिफंड मिल जाएगा। बेटा बोलो बोल रहा है भारत माता की जय। ये सेक्शन नंबर 16 खत्म होता है। अब सेक्शन नंबर 17 गवर्नमेंट फंड ट्रांसफर कैसे करेगी वो दिया हुआ है सर। 17, 18 अच्छा बीच में 17 ए भी ऐड हो गया बेटा। ये गवर्नमेंट अपने फंड्स ट्रांसफर कैसे करेगी, इंटर गवर्नमेंट फंड ट्रांसफर कैसे होंगे, अकाउंट सेटलमेंट कैसे होंगे वो देख के एग्जाम के कोई खास रिलेवेंट नहीं है। सेक्शन नंबर 19 कहता है क्या बेटा, अगर आपने गलती से किसी ट्रांजेक्शन पर सीजीएसटी और एसजीएसटी पे कर दिया जबकि वो ट्रांजेक्शन था इंटरस्टेट का तो हम आपसे आईजीएसटी का रिकवरी करेंगे। पर अगर आपने बच्चों सेम वे अगर आपने गलती से किसी इंटरस्टेट सप्लाई पर सी ओ एस पे किया तो हम आपसे आई की रिकवरी करेंगे। पर हाँ, ऐसे केस में हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। एंड वाइस वर्सा सेम सेक्शन दे रखा है आपको, कहाँ पर सी जी एस टी एक्ट में, कि गलती से इंटरस्टेट सप्लाई पे आपने आई जी एस टी पे कर दिया तो आप आई जी एस टी का रिफंड ले लेना, पर आपको से हम सी ओ एस तो रिकवरी करेंगे पर ऐसे केस में कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे बेटा। क्लियर, ये सेक्शन 19 खत्म होता है अब। और सेक्शन 20 से लेकर 25 तो कोई खास बात नहीं बेटा, एग्जामिनेशन पर्पज के लिए कोई रिलेवेंट नहीं है। भारत माता की जय। इसी के साथ चैप्टर नंबर 8 भी खत्म होता है अब। शायद सारे प्रोविजन आपको फास्ट क्विक वे में रिविजन हो गए सर, अच्छे से पढ़िए। ऑल दी वेरी बेस्ट सर, टेक केयर, स्टे सेफ, मजे मारिए, थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो इस टॉपिक में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बच्चों अच्छे से पढ़िए, ऑल दी वेरी बेस्ट एंड माहौल अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। और सर मुझे भी माहौल या शानदार या माहौल जैसा भी आपको फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भी मोटिवेट करो, मैं आपको और मोटिवेट करूंगा। माहौल डन, थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।